देश विदेश से काफी भक्तगण महाराज बाबा नीम करौली की कृपा प्राप्त करने के लिए मंदिर दर्शन में आते हैं, पर वापिस जाते वक्त उनके मन में एक प्रश्न रहता है कि हम महाराज की कृपा कैसे प्राप्त करें। क्या ये दर्शन मात्र से हमें कृपा प्राप्त हो जाएगी, या हम ऐसा क्या करें कि हमें उनकी दया दृष्टि मिले, किसी तरीके से महाराज की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, महाराज का हम पर आशीर्वाद हर समय बना रहे, बाबा नीम करौली जी हम पर कृपा बरसाते रहें, हम ऐसा क्या करें। यह मनुष्य जीवन है, इस जीवन में, इस जिंदगी में हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार इंसान मुसीबतों में फंस जाने पर बहुत विचलित होने लगता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं क्या ना करूं, वो बस इसी सोच में, इसी उधेड़बुन में पड़ा रहता है। कभी कभी यही दुख की बेला इतनी लंबी हो जाती है कि अब उसके जीने की उम्मीद भी साथ छोड़ने लगती है। ऐसी घड़ी में जब कोई इष्ट मित्र भी काम ना आ रहा हो, जब कोई दुआ काम ना आ रही हो, कुछ भी काम ना आ रहा हो, कुछ भी नहीं उसे सूझ रहा हो, उस समय आप स्वयं को बाबा जी के चरणों पर समर्पित कर दीजिए और उनके द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करिए। वह महाराज जी का, बाबा नीम करौली महाराज का दिया हुआ मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। मैं हूं बुद्धि मलिन, अति श्रद्धा भक्ति विहीन, करूं विनय कछु आपकी, हो सबकी विधिधीन, श्रद्धा के यह पुष्प कछु चरणम धरी संभाल। यह है नीम करौली बाबा जी का दिया हुआ मंत्र। बात आती है इस मंत्र को सिद्ध करने की, तो आप इस मंत्र को हनुमान जयंती के अवसर पर या कोई भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या होली का दहन, दीपावली की रात्रि, रक्षाबंधन के दिन, या कोई अच्छी सी अमावस्या देख करके उसकी रात्रि को इस जाप को सिद्ध कर सकते। अगर आप इससे और कदम आगे बढ़ना चाहें तो आप इसका पुरस्चरण भी कर सकते हैं। इसका पुरस्चरण 125,000 जाप का है। अगर आपको इसको सिद्ध करने की विधि जानना चाहते हो, आपकी दिली इच्छा हो कि आप इसका पुरस्चरण करें और उसकी विधि जानना चाहते हो, तो आप कृपया कमेंट्स करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं अवश्य अगला वीडियो इस मंत्र के पुरस्चरण विधि पर बना करके आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको इसका पुरस्चरण करने में मदद मिलेगी। तो साथियों, ये तो था मंत्र, नीम करौली महाराज के प्रार्थना करने का मंत्र, उनको खुश करने का मंत्र। यहीं पर आज मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में नीम करौली महाराज की कहानी में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह डसिला का प्यार भरा नमस्कार।